सो गाइस, इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि कैसे हम लोग जो NAC के वेबसाइट से जो ऑप्शन है, ऑप्शंस का डाटा को हम लोग कैसे एक्सेल में एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, और जो हम लोग एक्सेल के अंदर इसको लाएंगे उसमें ऑटो रिफ्रेश का भी ऑप्शन हो जाएगा, तो आप इसको अपने अकॉर्डिंगली कस्टमाइज कर सकते हो। जिस तरीके का आपको ग्राफ बनाना है वैसे आप बना सकते हो, जैसे कि आपको मेरे एक्सेल पे आपको दिख रहा होगा, यहाँ पर आपको टोटल डाटा आपको दिख जाएगा, ठीक है। आप इवन इसमें सारा कुछ कस्टमाइज भी कर सकते हो, जो एक्सपायरी का आपको डाटा दिख रहा होगा, जो आपको ये वाला एक्सपायरी दिख रहा होगा, इस एक्सपायरी का डाटा को भी आप यहाँ पे जाकर के चेंज कर सकते हो। सो गाइस देखो, इसको फिल्ट करने के लिए आपको सिंपली यहाँ पे क्लिक करना, और यहाँ पे आपको जो भी एक्सपायरी चाहिए उसके एक्सपायरी के डाटा पे जाकर के आप क्लिक कर सकते हो, आपको ये सारा कुछ एक जगह आ जाएगा। तो मैंने अभी जो भी करंट है 11 अगस्त 2022 का है, उसका डाटा मैंने यहाँ पे लगा करके रखा था, आपको टोटल डाटा यहाँ पे दिख जाएगा। आप यहाँ पे इसके अकॉर्डिंगली चेंज भी कर सकते हो, जितना भी आपको जो दिखता है NAC की वेबसाइट पे दिखता है वो सारा कुछ को आप यहाँ पे ला सकते हो, बहुत ईजिली ला सकते हो, कोई भी यहाँ पे ज़्यादा दिक्कत नहीं होगा। लेकिन आपको थोड़ा सा यहाँ पे आपको मेहनत करना पड़ेगा। सो यहाँ पे देखोगे तो चेंज इन OI का डाटा मैंने यहाँ पे ग्राफ बना करके रखा है। जैसे कि अगर आप देखोगे तो आपको बहुत सारा जो वेबसाइट है वहाँ पर आपको पेड करना पड़ता है, लेकिन मैंने यहाँ पे कस्टमाइज करके रखा था, मेरा सिंपली यहाँ पे ग्राफ बन गया जो कि मुझे बहुत ईजिली मेरे डाटा को बता रहा था। इसको आप अपने अकॉर्डिंग कस्टमाइज कर सकते हो। सबसे बड़ा प्लस पॉइंट क्या होता है कि यहाँ पे आप अपने अकॉर्डिंग इसको कस्टमाइज कर सकते हो, तो ये आपके लिए बहुत अच्छा हो जाएगा, बहुत ईजी हो जाएगा, और आपको कहीं भी पैसा देने का जरूरत नहीं है। चलो किसी भी देखते हैं कि इसको कैसे हम कर सकते हैं। सो हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माई चैनल। होप आप लोग अच्छा ट्रेड कर रहे होगे मार्केट के अंदर, प्रॉफिट कर पा रहे होगे मार्केट के अंदर। तो गाइस देखो, इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि कैसे आप NAC के वेबसाइट से जो OI का डाटा है उसको कैसे आप एक्सट्रैक्ट कर सकते हो एक्सेल के अंदर। एक्सेल के अंदर जब आप इंपोर्ट करोगे तो आप अपने अकॉर्डिंगली कस्टमाइज भी कर सकते हो। तो पूरा डिटेल मैं यहाँ पे बताने वाला हूँ। तो प्लीज़ अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना, सब्सक्राइब भी कर देना, और वीडियो को प्लीज़ लास्ट तक देखना, क्योंकि अगर आप लास्ट तक वीडियो को नहीं देखोगे, बीच में छोड़ करके जाओगे, तो आपको आधा अधूरा नॉलेज मिलेगा और आप फिर इसको अच्छे से कर नहीं पाओगे, आपको एरर आएगा। और उसके साथ साथ गाइस, अभी तक आप लोगों ने मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया तो ज्वाइन कर सकते हो। लिंक आपको फर्स्ट जो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा वो मेरे टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको मिल जाएगा, तो वहाँ से जाकर के आप इजीली खोल सकते हो। इसके बाद यहाँ पे मैं आपको और भी ऑप्शन दे देता हूँ। अगर आपको कोई भी डीमैट अकाउंट खोलना है तो आप पेटीएम के अंदर, ग्रो के अंदर, अपस्टॉक के अंदर, ज़ीरोधा के अंदर, फायर्स के अंदर और कोटक सिक्योरिटीज़ के अंदर भी अकाउंट खोल सकते हो। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। लेकिन मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि अगर आप ऑप्शन ट्रेडिंग करते हो तो आप फायर्स के अंदर जाओ, क्योंकि फायर्स आपको बहुत ईजी हो जाता है, फायर्स के अंदर आपको बहुत ज़्यादा कन्वीनियंस हो जाता है। तो आपको प्लीज़ फायर्स यूज़ करना चाहिए इंट्राडे ट्रेडिंग के लिए, आपको बहुत ज्यादा हेल्प हो जाएगा उसमें। चलो गाइस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो गाइस, सबसे पहले हम लोग को सर्च क्या करना है, गूगल पे हम लोग को NAC सर्च करना है, ठीक है। NAC का जो ऑफिशियल वेबसाइट है आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, मैं आपको लिंक इसको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, आपको उसके ऊपर क्लिक करना है। तो NAC का जो ऑफिशियल वेबसाइट है, सबसे पहले आपको उसके ऊपर क्लिक करना है। यहाँ पे देखो आपको दिखेगा कि यहाँ पे हमें अभी मेरा जो यहाँ पे वेबसाइट है ये नया वाला वेबसाइट है, पुराने वाले वेबसाइट पर मैं नहीं हूँ। यहाँ पे आपको थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करना है और आपको यहाँ पे एक डेरिवेटिव दिख जाएगा, तो इस डेरिवेटिव के ऑप्शन के ऊपर आपको क्लिक करना है। यहाँ पे आपको देख लो, ध्यान से देख लो, आपको यहाँ पे डेरिवेटिव पे क्लिक करना है। तो जैसे ही आप यहाँ पे क्लिक करते हो, ये आपको एक नीचे में एक ऑप्शन और ऑप्शन एक्सपैंड हो जाएगा और यहाँ पे आपको सारा ऑप्शन आ जाएगा। तो आप यहाँ से किसी भी, जो आपको किसी भी चीज़ का चाहिए डाटा, आप उसको आप यहाँ से इंपोर्ट कर सकते हो एक्सेल के अंदर। तो जैसे कि मैं अभी आपको यहाँ पे दिखा रहा हूँ कि मैं यहाँ पे इंडेक्स ऑप्शन, निफ्टी का इंडेक्स ऑप्शन को मैं कॉपी करने वाला हूँ एक्सेल के अंदर, तो सिंपली आपको उसके ऊपर क्लिक करना है। अभी देखो यहाँ पे ये थोड़ा लोड होगा, लोड होने में इसको टाइम लगेगा, इसको पहले आपको लोड होने देना है, पूरा इसको लोड होने देना, क्योंकि अगर आप यहाँ पे करोगे तो एरर आएगा, कोई भी वो मतलब इंपोर्ट नहीं हो पाएगा अच्छे से। तो यहाँ पे देखो, तो ये यहाँ पे जाकर के इंपोर्ट हो चुका है। सो गाइस देखो, फाइनली यहाँ पे ये लोड हो गया है, चार्ट के ऊपर लोड हो गया। तो आपको सिंपली कुछ नहीं करना है, यहाँ पे कहीं भी, मतलब ये जो पूरा पेज आपको दिख रहा है, कहीं भी आपको क्लिक करना है, राइट क्लिक करना है। राइट क्लिक करोगे आपको मतलब क्रोम यूज़ करना है, क्योंकि क्रोम में बहुत ईजिली हो जाता है, तो आपको क्रोम यूज़ करना है। क्रोम में आप यहाँ पे राइट क्लिक करना है, ठीक है। राइट क्लिक करोगे तो आपको सबसे नीचे ऑप्शन क्या मिलेगा, एक इंस्पेक्ट का ऑप्शन मिलेगा, ठीक है। तो इंस्पेक्ट के ऑप्शन पर आप क्लिक कर लेना। तो जैसे ही आप इंस्पेक्ट के ऑप्शन पे क्लिक करते हो, आपको नीचे एक पेज आ जाएगा, बहुत सारे मतलब अगर कंप्यूटर होगा या फिर डेस्कटॉप होगा तो आपको इस टाइप में, मतलब यहाँ पेज के इस साइड में आपको दिखेगा, तो उससे आपको डरना नहीं है, वो भी कोई दिक्कत नहीं है वहाँ से। तो आप उसको यहाँ पे वापस चेंज करने के लिए आप इस वाले ऑप्शन पे, ये जो ये आपको यहाँ पे ये ऑप्शन दिख रहा है, जैसे मैं इसको हटा के फिर से बताता हूँ, आप इस वाले ऑप्शन पे क्लिक कर सकते हो, तो यहाँ पे ये चेंज हो जाएगा, पेज को मतलब लोड ले लेगा। तो मेरा ये अभी नीचे में खुला, तो मैं आपको यहीं से करके बताता हूँ। इसके बाद आपको, इसके बाद सेकंड ऑप्शन क्या है, आपको ऑप्शन चेंज पे क्लिक करना है। यहाँ पे जैसे मैंने ऑप्शन चेंज पे मैं पहले क्लिक करता हूँ, तो ऑप्शन चेंज पे आपको क्लिक करना है। ऑप्शन चेंज पे क्लिक करने के बाद आपको जो नीचे ये विंडो खुल के आया है, यहाँ पे आपको नेटवर्क्स के अंदर जाना है। नेटवर्क आपको कहाँ पे मिलेगा, यहाँ पे आपको नेटवर्क मिलेगा। देखो आपको यहाँ पे दिख रहा होगा कि आपको नेटवर्क के ऊपर जाना है, तो आपको नेटवर्क के ऊपर क्लिक करना है। जैसे ही आप नेटवर्क के ऊपर क्लिक करते हो, आपको नीचे में बहुत सारा ऑप्शन मिल जाएगा। जैसे कि यहाँ पे आप देखोगे तो आपको यहाँ पे चार ऑप्शन मिल जाएगा। आपको यहाँ से ये वाला जो ऑप्शन है, थर्ड ऑप्शन है, इसके ऊपर क्लिक करना है, जो कि ऑप्शन चेन इंडेक्स सिम्बॉल निफ्टी का है, ठीक है। और यहाँ पे अगर आप देखोगे तो स्टेटस पे देखोगे तो 200 है और XHR है, ठीक है, XHR है, ठीक है। तो आपको इसके ऊपर क्लिक करना है। मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बता रहा हूँ, प्लीज़ आप किसी भी स्टेप को स्किप मत करना।
तो आपको इसके ऊपर सिंपली यहाँ पे जाकर के क्लिक करना है। जैसे मैंने यहाँ पे भी क्लिक किया तो यहाँ पे एक और विंडो खुल के आएगा, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा एक छोटा सा यहाँ पे एक विंडो खुल के आया। तो यहाँ पे देखो ये वाले पार्ट पे आप देखो यहाँ पे एक विंडो खुल के आया, आपको इसके ऊपर थोड़ा स्क्रॉल करना है, यहाँ पे नीचे आपको थोड़ा स्क्रॉल करना है। यहाँ पे आप स्क्रॉल करोगे तो नीचे में आपको एक ऑप्शन मिलेगा, कुकीज़ का ऑप्शन मिलेगा, जैसे कि मैं आपको भी यहाँ पे करके दिखा रहा हूँ। यहाँ पे देखो एक कुकीज़ का ऑप्शन मिल रहा है, तो मैं इसको थोड़ा हाईलाइट कर देता हूँ। यहाँ पे देखोगे तो आप यहाँ पे कुकीज़ का आपको ऑप्शन मिल रहा है, ये पूरा कुकीज़ का ऑप्शन ये बॉक्स है, इसको आपको कॉपी कर लेना है। आपको सिंपली कॉपी करने के लिए यहाँ पे एक बार आपको क्लिक करना है, यहाँ पे जैसे ही आप एक बार क्लिक करोगे यहाँ पे राइट क्लिक करना, कॉपी वैल्यू का ऑप्शन है, कॉपी वैल्यू का ऑप्शन को क्लिक कर लो, कॉपी कर लो। इसके बाद आपको एक्सेल खोलना है, कोई भी नया एक्सेल जो कि मतलब उसमें कुछ बना हुआ नहीं हो, आपको एक्सेल खोलना है। तो जैसे मैंने एक्सेल खोल लिया, यहाँ पे एक चीज़ और आपको ध्यान रखना है कि जो एक्सेल होना चाहिए वो लेटेस्ट वर्जन या फिर 2017 और 16 के बाद का, 16 और 17 के बाद वाला एक्सेल होना चाहिए। अगर 16 17 है तो भी चलेगा, लेकिन इससे पहले वाले में नहीं चलेगा। तो आपको इस चीज़ को ध्यान रख लेना है कि आपको जो एक्सेल है वो लेटेस्ट वर्जन होना चाहिए, 16 के बाद का कोई भी हो उसमें ये बहुत अच्छे से काम करेगा। तो होप आपको यहाँ तक अभी तक समझ में आ गया होगा, नहीं समझ में आया तो वीडियो को पॉज कर लो और पीछे जा करके देख लो। तो आपको सबसे पहले यहाँ पे करना क्या है, यहाँ पे आपको कहीं भी टैब के ऊपर यहाँ पे आपको क्लिक करना है, यहाँ पे लिखना क्या है, आपको यहाँ पे कुकीज़ लिखना है, कुकीज़ लिखना है, ठीक है। उसके बाद नीचे क्लिक करना है, तो नीचे पे जा करके आपको यहाँ पे Ctrl+B दबाना है, तो यहाँ पे ये पेस्ट हो जाएगा, या फिर आप राइट क्लिक करके भी पेस्ट कर सकते हो। तो मैंने सिंपली जो भी कुकीज़ को मैंने कॉपी किया है, मैं यहाँ पे इसको जा करके पेस्ट कर देता हूँ। तो यहाँ पे देखोगे तो ये पेस्ट हो चुका है। पेस्ट होने के बाद आपको सिंपली इन दोनों टैब को सेलेक्ट कर लेना है, जो आपका ये दोनों में लिखा हुआ है, इन दोनों को आपको सेलेक्ट कर लेना है। सेलेक्ट करने के बाद आप यहाँ पे ऊपर में आ जाओ, पेज यहाँ पे डाटा के ऊपर आ जाओ। तो डाटा के ऊपर आप जैसे ही जाओगे तो यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिलेगा क्या, फ्रॉम टेबल डाटा रेंज, ठीक है, टेबल/डाटा रेंज, इसके ऊपर आपको क्लिक करना है। यहाँ पे क्लिक करने के बाद आपको एक चीज़ ध्यान रखना है कि यहाँ पे ये जो आपको ये इनेबल दिख रहा है माई टेबल हैज़ हेडर्स, इसको आपको इनेबल ही रखना है, और फिर आपको कुछ और छेड़छाड़ नहीं करना है। इसके बाद आपको यहाँ पे क्या ओके पे क्लिक करना है। जैसे ही आप ओके पे क्लिक करोगे यहाँ पे आपको एक और पावर क्वेरी करके आपको एक नया विंडो ओपन हो जाएगा, तो इसको थोड़ा लोड होने देना। तो यहाँ पे एक एडिटर, पावर क्वेरी एडिटर यहाँ पे आपका जा करके ओपन हो जाएगा। तो आपको यहाँ पे दिख रहा होगा एक नया पेज ओपन हो गया है, तो अब आपको इसके ऊपर काम करना है। सो गाइस, अगर होप आपको यहाँ तक समझ में आ रहा होगा, सारा कुछ आपको समझ में आ रहा होगा। इसके बाद आपको क्या करना है, सिंपली यहाँ पे आप देखोगे तो यहाँ पे आप आ जाओ, यहाँ पे आपको दिखेगा कि यहाँ पे क्रॉस का सिग्नल साइन बना हुआ है, तो इस क्रॉस पे आपको क्लिक करना है, इसको हटा देना है। तो यहाँ से देखोगे तो ये वाला भी हट गया, इसके बाद ये तो आपका यहाँ पे हट गया। उसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे टेबल पे आना है। टेबल पे आने के बाद आपको यहाँ पे एक रीनेम इसको कर देना है, जैसे रीनेम करके इसको आप कुकीज़ या फिर कुछ भी का ऑप्शन, कुकीज़ का आप यहाँ पे नाम डाल दो, जैसे कि COOKIES कुकीज़ का मैंने यहाँ पे डाल दिया। अब यहाँ पे देखो कुकीज़ तो हो गया, जैसे यहाँ पे फर्स्ट में मेरा कुकीज़ हो जाएगा। उसके बाद मुझे यहाँ पे एक और चीज़ करना है, इसके यहाँ पे राइट क्लिक करना है, कुकीज़ पे ही राइट क्लिक करना है। सो मैंने कुकीज़ पे यहाँ पे जाके राइट क्लिक करा, राइट क्लिक करने के बाद आपको एडवांस एडिटर पे जाना है, ठीक है। तो आपको एडवांस एडिटर पे यहाँ पे जा करके क्लिक करना है। तो जैसे ही यहाँ पे एडवांस एडिटर पे क्लिक करोगे आपको यहाँ पे कुछ ऑप्शन दिख जाएगा। तो आपको सबसे पहले क्या करना है, मैं आपको एक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक और लिंक दे दूंगा, वहाँ पे कुछ कुछ इंपॉर्टेंट यहाँ पे देखोगे तो कीज़ है, ठीक है। तो जैसे कि आपको यहाँ पे इंपॉर्टेंट कीज़ दिखेगा, ये जो ऊपर का ये वाला है इसको आपको कॉपी करना है, फर्स्ट वाले को आपको Ctrl+C से कॉपी करना है, या फिर राइट क्लिक करके भी कॉपी कर सकते हो। इसका आपको लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। वापस से यहाँ पे करने के बाद आपको क्या करना है, आपका जो एक्सेल था वहाँ पे क्लिक करना है, और सबसे ऊपर जो लेट्स है लेट के ऊपर आपको क्लिक करके एक इंटर प्रेस करना है, तो ये नीचे आ जाएगा। फिर आपको एरो की को यूज़ करना है, फिर माउस से आप ऊपर जाओ, ऊपर यहाँ पे क्लिक करो, उसके बाद यहाँ पे Ctrl+V करके यहाँ पे पेस्ट कर दो। तो फर्स्ट में आपको ये पेस्ट करना है, उसके बाद सोर्स के पास आके यहाँ पे छोड़ दो। उसके बाद वापस से आप जाओ, जो मैंने डिस्क्रिप्शन पे लिंक दिया है वहाँ पे जाने के जो सेकेंड ऑप्शन है, सेकेंड वाला जो आपको इन से दिख रहा होगा, इन कुकीज़ करके इसको कॉपी कर लो। वापस से कॉपी करने के बाद आप एक्सेल खोल लो, एक्सेल में सोर्स पे क्लिक करके इंटर करो तो नीचे आ जाएगा। इंटर करने के बाद आप पेस्ट कर दो। तो यहाँ तक हमारा काम हो चुका है, यहाँ पे आपको सिंपली डन करना है। तो मैं यहाँ पे इसको डन कर देता हूँ, होप आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा वीडियो की कैसे आपको यहाँ पे करना है। तो देखो यहाँ पे मैंने इसको कर दिया। उसके बाद यहाँ पे आपको राइट क्लिक करना है, ये वाले एरिया पे आपको राइट क्लिक करना है। यहाँ पे आप राइट क्लिक करो, न्यू क्वेरी के ऊपर जाओ। यहाँ पे जाने के बाद आप यहाँ पे अदर सोर्स पे जाओ और यहाँ पे एक ब्लैंक क्वेरी का ऑप्शन आएगा। होप आपको यहाँ तक ये समझ में आया होगा कि कैसे आपको ये करना है। जैसे ये जो एरिया है इस एरिया पे आकर के आपको यहाँ पे क्लिक करना है, जो इतना एरिया है इस बॉक्स के ऊपर आकर के आपको क्लिक करना है, कहीं और करोगे तो फिर प्रॉब्लम हो जाएगा। तो यहाँ पे आकर के आप क्लिक करो, राइट क्लिक करो, न्यू क्वेरी के अंदर जाओ, फिर अदर सोर्सेज पे जाओ। यहाँ पे आपको सबसे नीचे एक ब्लैंक क्वेरी का ऑप्शन मिल जाएगा, इसके ऊपर आप सिंपली क्लिक करो। यहाँ पे क्लिक करोगे तो देखो Query 1 करके आया, इसका पहले रीनेम कर दो, रीनेम करके इसका नाम चेंज कर दो। इसका नाम मैं डाटा करके रखता हूँ, तो DATA डाटा मैंने इसका नाम रख दिया। इंटर प्रेस करो, ये यहाँ पे सेव हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे आपको राइट क्लिक करके वापस से एडवांस एडिटर पर जाना है।
एडिटर पे जाने के बाद इसको कंट्रोल प्लस ए से पूरा को यहाँ पे आप जाकर के सेलेक्ट करके इसको बैक स्पेस दबा के फिर डिलीट दबा के बैक स्पेस से डिलीट कर दो, तो यहाँ पे ये सारा कुछ डिलीट हो गया। इसके बाद अगेन आपको मेरा जो मैंने डिस्क्रिप्शन पे लिंक दिया है वहाँ पे जाकर के ये जो आपको नीचे में कोड दिख रहा है, लेफ्ट से कोड दिख रहा है, इसको पूरा कॉपी कर लेना है। कंट्रोल प्लस सी से आप यहाँ पे अगेन कॉपी कर सकते हो। यहाँ पे आने के बाद कंट्रोल प्लस वी दबा दो तो ये पेस्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे मेरा ये पेस्ट हो गया। इसके बाद आपको डन पे क्लिक करना है। तो जैसे ही आप डन पे क्लिक करोगे देखोगे तो आपको यहाँ पे पूरा ऑप्शन आपको यहाँ पे खुल जाएगा। तो आपको टोटल जो आपका एनएससी के ऊपर डाटा था वो सारा डाटा आपको यहाँ पे दिख जाएगा। तो इसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे जाकर के आप सेलेक्ट कर सकते हो कि आपको क्या रखना है चार्ट के ऊपर। जैसे कि अगर आप यहाँ पे क्लिक करते हो, जो फिल्टर का ऑप्शन जिनको नहीं पता मैं उनको बता दूँ, ये वाला जो होता है ये सारा यहाँ पे फिल्टर का ऑप्शन आपको दिख रहा होगा। तो यहाँ से आपको जो भी चीज़ चाहिए आप उसको यहाँ पे फिल्टर कर ले पा रहे। तो जैसे कि मैं एक्सपायरी के ऊपर, मान लो एक्सपायरी से पहले जो सी है, सी के ऊपर मैं क्लिक करता हूँ मुझे क्या क्या चाहिए, तो सी के ऊपर मैंने क्लिक करा तो यहाँ पे आपको देखो इतना सारा ऑप्शन आपको मिला है। तो सेलेक्ट ऑल को पहले हटा दो तो सारा कुछ यहाँ से हट जाएगा। इसके बाद मुझे यहाँ से क्या चाहिए, मुझे चाहिए चेंज इन ओपन इंटरेस्ट चाहिए, परसेंटेज चेंज इन ओपन इंटरेस्ट चाहिए, फिर उसके बाद क्या यहाँ पे आप कुछ भी चेंज भी आप यहाँ पे ले सकते हो, कुछ भी इम्प्लाइड वॉलेटिलिटी ले सकते हो। तो मैंने यहाँ पे इन सभी चीज़ को सेलेक्ट कर लिया है। सेलेक्ट करने के बाद मैं यहाँ पे सिंपली ओके करूँगा। तो ओके करने के बाद देखोगे तो ये कॉलम और यहाँ पे चेंज हो गया। जैसे पहले बस आपको यहाँ पे सीई का प्राइस दिख रहा था, यहाँ पे सीई बस दिख रहा था, लेकिन आप सीई के साथ साथ यहाँ पे आपको तीन और डाटा दिख जाएगा जो कि एनएससी के वेबसाइट से आपको दिखेगा। उसके बाद यहाँ पे आपको थोड़ा और एक्सपेंड करके वापस से सेम जा करके आप पीई पे भी जा करके क्लिक कर लो। पीई पे भी क्लिक करके सेलेक्ट ऑल करके इसको हटा दो। फिर आपको क्या क्या चाहिए, जैसे कि मुझे ये तीन चीज़ चाहिए था, अभी फिलहाल मुझे ये तीन चाहिए था, इम्प्लाइड वॉलेटिलिटी वगैरह सारा कुछ चाहिए था, तो मैंने इसको ओके कर दूंगा। तो यहाँ पे जाकर के ये डाटा वापस से हमारे एक्सेल में आ जाएगा। तो देखोगे तो यहाँ पे सारा कुछ हमारा यहाँ पे फिल्टर हो गया। अब ये तो हमारा फिल्टर हो गया। यहाँ पे फिल्टर होने के बाद आपको क्या करना है, आपको सिंपली यहाँ पे क्लोज एंड सेव पे जाना है। जो आपका क्लोज एंड लोड वाला जो ऑप्शन है इस ऑप्शन के ऊपर जाकर के क्लिक करना है। तो जैसे कि मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ, तो मैंने जैसे ही यहाँ पे क्लिक करा, यहाँ पे देखो तो क्लिक करने के बाद ये थोड़ा यहाँ पे लोड लेगा। ये जो एक्सेल है अभी थोड़ा यहाँ पे लोड ले रहा है। लोड लेने के बाद यहाँ पे ये देखो तो आ गया। तो अभी हमारा सारा कुछ यहाँ पे डाटा हमारा यहाँ पे स्क्रीन के ऊपर दिख रहा होगा। आपको सिंपली यहाँ पे क्रॉस पे करके इसको काट देना क्योंकि इसका अभी हम लोग को जरूरत है नहीं। तो अब मैंने इसको भी काट लिया। उसके बाद देखोगे तो पूरा डाटा आपको मतलब एक्सेल के ऊपर पूरा डाटा आपका लोड हो गया है। तो यहाँ तक होप आपको समझ में आ गया होगा। नहीं समझ में आया तो आप कमेंट करके मुझसे पूछ भी सकते हो, मैं उसका रिप्लाई कर दूंगा। तो देखो अभी यहाँ पे आने के बाद आप यहाँ पे बहुत सारा कुछ चेंज कर सकते हो। जैसे कि अगर आप एक्सपायरी पे आपको कौन सा एक्सपायरी चाहिए तो एक्सपायरी डाटा पे क्लिक करना है। यहाँ पे आपको नीचे सेलेक्ट ऑल करके अभी मुझे करंट वाला चाहिए तो 11 अगस्त वाला का डाटा चाहिए तो ओके करूंगा मैं। तो जैसे ही यहाँ पे 11 अगस्त करूंगा यहाँ पे मेरा पूरा डाटा जो होगा वो हमारा 11 तारीख से खुल जाएगा। ठीक है, उससे पहले का नहीं खुलेगा। अगर आप ऐसे ऊपर भी करोगे तो ऊपर से नहीं खुलेगा। तो अभी जो हमारा करंट एक्सपायरी का है वो डाटा हमारा यहाँ पे पूरा खुल करके आ जाएगा चार्ट के ऊपर। तो इसके बाद अभी यहाँ पे ये तो हमारा हो गया। देखो अब यहाँ पे एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या आता है कि अब बार बार आप इस पर डाटा को तो आप लाओगे नहीं, मतलब बार बार मेरा मतलब क्या है कि बार बार इतना स्टेप जो है, इतना कॉम्प्लिकेटेड स्टेप है, 10-15 मिनट का जो स्टेप है, मैं इसको कॉम्प्लिकेट करके बार बार मैं यहाँ पे लोड करके डाटा को बार बार चेंज नहीं कर सकता हूँ। मुझे चेंज करने के लिए अगर मैं करता हूँ तो मेरा टाइम बहुत जाएगा और मेरा ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी वहाँ से मिस हो जाएगा। तो मैं क्या कर सकता हूँ, यहाँ पर सिंपली आपको क्या करना है, डाटा के ऊपर क्लिक करना है। सो डाटा के ऊपर क्लिक करने के बाद यहाँ पे देखो रिफ्रेश का यहाँ पे दो ऑप्शन है। एक अगर आप रिफ्रेश पे क्लिक करते हो तो रिफ्रेश पे जैसे ही क्लिक करोगे तो आपको मैनुअली करना पड़ेगा, लेकिन रिफ्रेश ऑल पे यहाँ पे एक नीचे ऑप्शन है, इसके ऊपर आपको क्लिक करना है। यहाँ पे देखो तो यहाँ पे क्या आपको दिखेगा, कनेक्शन प्रॉपर्टीज आएगा। ठीक है, तो इसके ऊपर आपको क्लिक करना है। सिंपली जैसे ही आप इसके ऊपर क्लिक करते हो आपको यहाँ पे एक ऑप्शन दिख जाएगा रिफ्रेश एवरी करके। अब यहाँ पे आप टाइम चेंज कर सकते हो, जैसे कि मैं यहाँ पे 1 मिनट कर देता हूँ और ओके कर देता हूँ। तो अब ये हर एक 1 मिनट के बाद ये ऑटोमेटिकली मतलब जा करके ऑटोमेटिकली ये रिफ्रेश होते रहेगा। हर एक 1 मिनट पे जा करके ये रिफ्रेश हो जाएगा, तो मुझे मैनुअली इसको रिफ्रेश करने का जरूरत नहीं है। तो यहाँ तक ये सारा स्टेप हो गया। इसके बाद आप इसको क्या करो, इसको आप सेव कर लो, कोई भी नाम दे सकते हो। अब ये तो देखो ये बेसिक हो गया। यहाँ तक डाटा लाना मैंने आपको सिखा दिया कि यहाँ से डाटा कैसे लाता है। अब इसके बाद भी यहाँ पे बहुत सारा स्टेप है जिसको आप जाकर के फॉलो कर सकते हो। तो ये फर्स्ट स्टेप था जो हमारा डाटा यहाँ पे इंपोर्ट कैसे करते हैं, तो मैंने डाटा इंपोर्ट करना आपको बता दिया। इसके बाद मैं आपको अगर आगे वीडियो चाहिए कि कैसे हम लोग अपना कस्टम ओआई बना सकते हैं, कैसे अपने स्ट्रेटजी को यहाँ पे डाल सकते हैं, जैसे कि मैंने ये वाला पेज यहाँ पे मैंने जो चार्ट बनाया है, यहाँ पे देखो फर्स्ट वाले पे मेरा डाटा था और सेकंड वाले पे मेरा ओआई चेंज इन ओआई का मैंने डाटा को यहाँ पे ग्राफ पे बना दिया। अगर ये सारा कुछ आपको जानना है तो प्लीज़ कमेंट करके बताना, मैं उस पर एक वीडियो बना दूंगा। तो गाइस इस वीडियो में इतना ही था। होप आपको वीडियो समझ में आएगा। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ कमेंट करके बताना, ठीक है, क्योंकि बहुत ज़्यादा इफर्ट लगता है इस टाइप के कंटेंट को ढूंढने में, उसके बाद आपके लिए वीडियो बनाने में, एडिट करने में। ठीक है, तो प्लीज़ गाइस कमेंट करके बताना कि आपको समझ में आया कि नहीं आया। तो थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इस वीडियो में इतना ही था, मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।